सारे भैया ने एक बार फिर से राम राम। जो इवनिंग शिफ्ट का जो आज पेपर होया था 6 नवंबर 2022 ने सीईटी का, उसके आंसर की अपन डिस्कस करांगे। हरियाणा राज्य की राजधानी वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा चंडीगढ़। अगला जो प्रश्न था नर नारायण गुफा वाला, इसका जो सेकंड ऑप्शन था यमुनानगर, इसका सही उत्तर था। नदी वाला जो क्वेश्चन था उसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा मारकंडा नदी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम वाला का जो क्वेश्चन का उत्तर आएगा वह होगा राजस्थान। पांचवा दिन छोटू राम वाला जो क्वेश्चन था उसका प्लांट के बारे में पूछ रहा क्या था, उसका सही उत्तर आएगा यमुनानगर। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक चौधरी छोटू राम, इसी वजह से किसानों का मसीहा इसी कहा जाया करता। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वह किस किस के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इन महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, बहु धान्यक, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज होया करता। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा इन्फेंट शर्ट यानी शिशुओं की कमीज। महिलाओं का पारंपरिक प्रदान के बारे में पूछ रहा क्या, इसका सही उत्तर होगा डिमच या डिमक्च। अगला प्रश्न जो सूरज कुंड मेले से रिलेटेड था उसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। जो HICA फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर का जो क्वेश्चन था इसका सही उत्तर होगा पिंजौर। जो जो अरविंदर सिंह खेल से संबंधित जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा खेलता है, आर्चरी मतलब तीरंदाजी। चिंकारा कित पड़ा है कैरू भिवानी में। अगला प्रश्न था बालिका शिशु वर्ष घोषित कौन सा था 2006, इसका सही उत्तर है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का स्थापित होया था 2001 में। कौन से साल यानी 90 सीट करी थी हरियाणा विधानसभा की 1977 में। प्रशासनिक इनू हरियाणा में कितने डिवीजन है, वह है 6। हरियाणा में एक फेमस जगह है कुरुक्षेत्र, जित महाभारत का युद्ध होया था, तो इस क्वेश्चन का महाभारत का युद्ध कित होया था कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न था भाइयों 2011 के अनुसार हरियाणा का नूबूद रहा क्या जनसंख्या कौन सा स्थान है, 18वां है भाई। तबला वाला क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेल वाला जो प्रश्न था उसका जो सही उत्तर आवेगा वो आवेगा भाई 2018 वाला है, 2018 है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए विनेश फोगाट। हरियाणा पैरालंपिक्स 2020 में टोक्यो में जो हुए थे, जापान की राजधानी है टोक्यो, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था, सुमित अंतिल। भारत का सॉरी हरियाणा का प्रथम राज्य कवि का उपाधि की स्थिति दिया है उदय भानु हंस, जो पिछले साल गुजरे थे इसार तय, जिनका जो इसार में रहा करते। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है, इसका उत्तर होगा धर्म क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर और वगैरह हैं। और इंग्लिश में जेट इन द जेट दिस जेट वाला जो प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी इसमें कोई मिस्टेक को नहीं, इन हैविंग एन ईजी लाइफ यानी इस ठीक करने की जरूरत को नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, इसका सही उत्तर होगा। जो प्रीपोजिशन वाला उत्तर था ही बोस्टेड, इसमें उत्तर क्या होगा ऑफ। जो इनडायरेक्ट स्पीच थी उसका सही उत्तर है ही टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट सी द चेयरमैन। अपोजिट मीनिंग पूछा था अबंडस का, इसका क्या होगा लैक्स, लैक्स का मतलब होता है कमी होना। सही स्पेलिंग पूछी थी, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा था, तो इमैक्यूलेट IMMACULATE जो ऑप्शन नंबर एक है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इनमें तेनों पूछा था कौन सा स्पेलिंग गलत है, पहली स्पेलिंग तो जमा सही है, दूसरी भी सही है और चौथी भी सही है, तो इसका सही उत्तर जो आओगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह स्पेलिंग गलत है भाइयों। अगला प्रश्न था मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब क्या हो गया, जो चीज रेस्ट में हो। तो मोशनलेस है, इस क्वेश्चन का एंटोनियम वर्ड क्या होगा, लाइवली, यानी जो चलता फिरता हो। इसमें सिनोनियम पूछा था भाई रेस्ट का, तो गिव अप, यानी मतलब छोड़ दिया सब कुछ, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं चल सकता, आए माँ मैं तो आयर की वो वाला। ही वांटेड अल्टरनेटिव, यानी इसमें अपन फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था। ही वांटेड टू स्विम इन द पोल, इसका सही उत्तर होगा। ये पैसे वाले जो क्वेश्चन थे भाई, उसमें अपने करना था पहला, तो इसका जो सही उत्तर था एस पी आर क्यू, यानी एस पी आर क्यू, यानी इट ओपन्ड इजली एंड ही पीप्ड इन द रूम वाज नॉट वाज क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। ही वेटेड फॉर ए मिनट और टू देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम, तो इसका सही उत्तर है। एक्टिव वॉइस बदलनी थी भाई, शरण वाज बींग टोट बाय अनिल, तो अनिल वाज टीचिंग शरण, इसका सही उत्तर आ जाएगा। एरर बताना था भाई ए बी सी डी, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, तो इसका जो सही उत्तर होगा भाइयों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पैसेज में क्वेश्चन छटने थे भाई, इफ आई हैड वाला पैसेज था। इसका पहला क्वेश्चन का जो सही होगा, इसका जो पैसेज का मीनिंग मेन आर्ग्यूमेंट के था, इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट न्यूरिशिज वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरीज बुक्स, तो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यो होगा। 39 में जो ऑथर वाला क्वेश्चन था भाई, लेटर ईयर्स वाला, इसका जो पहला ऑप्शन था ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन हिज बुक्स। मिड ऑफ माई लाइफ वाला जो फ्रेज पूछ रखी थी, उसका क्या होगा, वास्ट एंड रिच लाइफ। इब अगला जो पार्ट आ गया भाई वो क्या आ गया, हिंदी। हिंदी में प्रश्न विराम चिन्ह वाला था भाई पहला, तो इसका सही उत्तर होगा माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। अगला भाई वित्तीय वाला जो क्वेश्चन था, अलंकार पूछा था, इसका सही उत्तर होगा भाई के मानवीकरण अलंकार। दुर्दशा शब्द वाला जो क्वेश्चन था, उसका सही उत्तर होगा भाई दुर उपसर्ग। क्या होगा, दुर उपसर्ग, उपसर्ग शब्द का पहला लग गया करे और प्रत्यवर्ग शब्द के बाद में लग गया करे। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत बताना था, तो इसका सुच प्लस आलू सच आलू, ये इस क्वेश्चन का गलत उत्तर है। इसके बाद भाई एक मिनट आगे पहुंच गया अपा, तो चल भाई डगले यो भी जमाए नहीं डिक देंदा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा, नहीं सुधांशु भी है, राकेश भी है, हिमांशु भी है, तो इस क्वेश्चन का दिनेश अंशोर आ जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के हुए हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा रात। जंगल में मोर नाचा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है भाई, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। प्रेम पूर्वक शब्द जो क्रिया विशेषण वाला था, इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है, यौगिक क्रिया विशेषण। जो अगला प्रश्न है भाई 49वां, इसमें पुलिंग शब्द बताना था, उसका उत्तर क्या है, नाटक। चंद्र शब्द का पर्यायवाची दिनेश नहीं है। इतिवृत्त शब्द वाला जो प्रश्न था, उसका सही उत्तर होगा वृत्तांतों का घटनाक्रम। संधि की दृष्टि वाला जो क्वेश्चन था भाई, उसका सही उत्तर होगा मति प्लस अभिमान, यानी मात्याभिमान। समस्त पद पूछ रखा था प्रत्यक्ष वाला, तो इसका क्या होगा, अव्ययी भाव समास है इसमें और अक्षी के प्रति। आपकी डैश का पालन करना हो गया, यानी आज्ञा का पालन करोगे भाई, और बाकी आजकल लड़े कर दे कौन। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है। इसके बाद भाई इब
आ गई रीजनिंग। रीजनिंग शुरू होगी भाई 56वां प्रश्न है। 56वां प्रश्न में शहर ए महिला और पुरुष का जिक्र था, 7 महिलाएं थी 11 पुरुष थे। तो इसका जो क्वेश्चन का जो सही उत्तर आओगा भाई, शुरुआत में बस में कितने सवार थे, 54। तो अगला प्रश्न है भाई, सेपरेट में देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसका उत्तर आ जाएगा परेड। अरे डी तो है नहीं, सीधी बात है, डी तो है को नहीं, बात खत्म। अगला भाई वर्णकूट, ये संख्या दे रखी थी 3, 7, 2 जो भी दे रखी थी, इसमें 8, 6, 3, 7 का कोड क्यों होना चाहिए, YPKE। ट्रेन थी SKUZHM लिखा, तो डेट थी क्या लिखा जाओगा, इससे लिखा जाओगा भाई CZSD। इन मतलब बताना था, अब देखो जो इसमें उत्तर क्या होगा, 4:42। अब अंकित और एक लड़की और अंकित का जिक्र है, उसमें लड़की का और अंकित का के संबंध है, जो अंकित है लड़की का के है ससुरा मेरा ससुरा फादर इन लॉ। ये जो कथन वाला कथन और निष्कर्ष वाला, चूहे बिल्ली शेर बिल्ली हिरण शेर, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आओगा पहला और तीसरा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। एक्स का मान काटना है भाई 35, 46, 59, 35 और 11, 13 फिर 15 जोड़ दो यार, 74 उत्तर आ जाएगा। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इसमें अनुभव का एडजेसेंट लगा बराबरों कौन बैठा है, रवि। फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है भाई, उसका उत्तर होगा इम्प्लीमेंट गुड फाइनेंशियल पॉलिसी टू इनहेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस पेपर का भाई डिटेल जो सॉल्यूशन होगा वो बाद में मैं कराऊंगा, एक बार बस उत्तर बताऊं। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा 02, 6, 12, 56। इन मत अलग बताना था भाई, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, लिरिक्स और सॉन्ग। पहले टर्म बताने थे भाई 12 बेहतर था 6, 18 आ जाएगा। अगला का भाई MMA AMMPPR, तो RPP इसका ऑप्शन नंबर 1, आर बी बड़ा आर पी बी बड़ा फिर पी। कॉम्बिनेशन करना था भाई DUOPIM का, तो इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 5, 2, 6। 71वां जो प्रश्न था भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना होगा भाई खट्टर था हमने, इसका सही उत्तर होगा सिस्टम यूटिलाइट्स। अगला इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रश्न था, वर्चुअल कीबोर्ड वह के प्रोवाइड करे हैं, दे अलाउज यूजर टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली, यानी जो पासवर्ड है उसकी आप सेफली लगा सका। इसमें ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और अल्टर डाटा, यानी डाटा बदल नहीं सकते भाई। जो वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस 2022, उसका थीम क्या था, माइंड द गैप लिव नो वन एंड पीस बिहाइंड। आपातकाल 352, 356, 360 एमरजेंसी 3 डाल के हुए हैं, तो इसमें जो 352 के बारे में पूछ रहा क्या है, तो यो के वह है राइट टू पर्सनल लिबर्टीज, यानी दह मान ले किसी की अनुलागदा हो मेरी पूरी वो नहीं हो रही तो कोर्ट में जा सके। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी हुआ है, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच ओनली मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी कैन स्टैंड, यानी अगर जनरल वाला वोट लड़ सके तो उसमें कोई भी लड़ सके, लेकिन अगर SC BC यानी OBC या SC या ST समाज है तो उनमें, तो अगर SC की सीट है तो SC वाले ही लड़ सके हैं, अनुकून भाई जनरल वाले आ जाएंगे। वूज टीचिंग एंड स्पीचिज वर, यो जो शिक्षा संभावनाओं वाला, उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बुद्धा यानी बुद्ध। इनमें तो वो पूछा था भाई जो कौन सा मॉडरेट मतलब बीच का है, बीच का गुण है आयरन, आयरन बटा बीच का है
तू सराड़ा ने कदे गलत समझ जो। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड के बारे में था, उस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एट मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड अर, जो भी दे रखे। अगला फिल्म फेयर 68 में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा जीते, उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जी यू आई क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रामायण में सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान कौन सा, मिथिला की थी भाई सीता। हे सीते तने खाए बड़े पपीते, मारा महारतन नवरतन लघु रतन भारत में किसके वर्गीकरण है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में जो, इसका उत्तर क्या होगा, इंटरपोल। एंथ्रासाइट क्यों है, आईली क्वालिटी ऑफ हार्ड कोयल, यानी एक कोयला हुआ है एक और डाल का। इब आ गया भाई गणित है, मैथ है, सब आसान। 6000 रुपया में कोई चीज़ खरीदी, 10% में बेच दी भाई, वो कैम 25% वाला जो क्वेश्चन दे रहा क्या, इसका सही उत्तर होगा 40%। 3 गन वाला जो क्वेश्चन है उसका एरिया का जो उनका रेशियो होगा वो क्या होगा, 7:9। मर्चेंट था जो 500 किलो, जिसके पास 500 किलो चीनी थी, इसका सही उत्तर होगा 200 किलो। चक्रवर्ती ब्याज वाला जो क्वेश्चन है उसमें रेट आएगी 5.5%। यो a² + b² + c² वाला जो प्रश्न था इसका सही उत्तर होगा 1:1:1। 10,000 के निकटतम जो संख्या पूछ रखी थी उसका सही उत्तर होगा 9660 और 10,080। 100 या 100 से कम वाला जो प्रश्न था इसका सही उत्तर होगा 2475। और जो ये स्केयर वाले जोड़ने थे, 1 का स्केयर 2 का स्केयर वाला जो भी फलाना तगड़ा था क्वेश्चन था, उसका सही उत्तर होगा 1540। यो अस्थलिपि कापी घंटे 100 पेज वाला प्रश्न जो पूछ रखा है इसका सही उत्तर होगा 6:6/7 घंटे। जो ये व्यापार करें थे, बट व्यापार करें तो कितना लाभ मिलेगा, एक पहले ने मिलेगा 7,000, दूसरे ने मिलेगा 9,000। जो ट्रेन वाला जो प्रश्न था भाई उसका सही उत्तर होगा 6:21, यानी 6 hours 21 minutes। एक्स संख्या वाई संख्या से 10% कम है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा भाइयों वह होगा 123.75, यानी 123.75। जो 0.75 की क्यूब वाला जो 98वां प्रश्न था भाई इसका सही उत्तर होगा 2। 15 आदमी 13 लुगाई 18 लुगाई और 12 उनके टब्बर, ये 2 मैन वुमेन और 3 बॉयज वाला का उत्तर होगा 240। 516 3 व्यक्तियां जो बांटने थे इसका सही उत्तर होगा 192। तो उम्मीद करूँ भाई सारे भाइयों ने यह उत्तर नोट कर लिए होंगे। नई अपडेट खातर बेल आइकन ते दबाओ और मेरा सहयोग करो। आपने नए नए पेपर इस चैनल पे मिलते रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।